नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरके स्टडी चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल से रिलेटिव सभी वे पदार्थ जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका जली घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल कहलाते हैं। 1884 ईस्वी में स्वांते अरेनियस ने अम्ल को परिभाषित किया था और कहा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन यानी एच प्लस प्रदान करते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल के प्रमुख गुण हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को ये वर्ण को लाल कर देते हैं, कुछ धातुओं के साथ अभिक्रित होकर ये हाइड्रोजन प्रदान करते हैं, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदान करते हैं। अम्ल वैसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है उसे कौन से अम्ल कहते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। उस अम्ल को क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोआयोडिक अम्ल यानी HI और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी HBr, हाइड्रोसाइनिक अम्ल यानी HCN इत्यादि इसका नाम है। अम्ल संबंधी पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न का लिस्ट देखिए। नंबर एक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन एक हो गया अंगूर में टार्टरिक अम्ल, जबकि क्वेश्चन टू है अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सियालिक एसिड पाया जाता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है एप्पल में। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है कच्चे आम में। और आठवां क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल। ऐसे दूध में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है लेकिन खट्टे दूध में यहाँ सिट्रिक दिया है तो ये भी सही है, लेकिन लैक्टिक अम्ल ही यहाँ सही होना चाहिए। लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं दूध में। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गन्ने में एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर सिर्फ दूध पूछेगा तो दूध में लैक्टिक अम्ल, लेकिन अगर खट्टा दूध पूछेगा तो सिट्रिक अम्ल लगाना चाहिए। तो ये सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं खट्टे दूध में, चाय में टैनिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं चींटी के डंक में। जो चींटी के डंक होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। और जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक अम्ल। और तेरहवा आपका क्वेश्चन है, तेरहवा के बाद चौदहवा क्वेश्चन है आपका, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन टमाटर में एक अम्ल और भी है जिसे बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल जिसे बोलते हैं, तो ये गलत है, ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। टोमेटो सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में देखिए लैक्टिक अम्ल बताया गया, लेकिन खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और नींबू के बाद अगला नेक्स्ट है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्याज में एलिसिन अम्ल पाया जाता है। फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फलों में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। चीटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है शराब में। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा एस्टिक अम्ल हो गया, तो सेब में कौन सा पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मौलिक अम्ल हो गया। 19 है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल से बनाया जाता है, तो सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल से बनाया जाता है। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, कार्बनिक अम्ल। घास में बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं, मूत्र में यूरिक अम्ल होते हैं। गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, तो ग्लूट्रेमिक अम्ल पाए जाते हैं। और अंतिम है, पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये था अम्ल संबंधी वीडियो, आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।